हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। इवनिंग यस सर, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। सर। इवनिंग चलो, आज हम वापस से मॉड्यूल में पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जितने भी मिक्स टाइप के क्वेश्चन है जेई के, उनको अटेम्प्ट करेंगे एक एक करके। सर मॉड्यूल का एक डाउट था मेरा सर। हाँ, पूछ लेना, वो भी हो सकता है आज ही इसमें भी कवर हो जाए। तो जो जो क्वेश्चन में टिक करूंगा वो आपको करते जाना है। क्या ये विजिबल है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन, थ्री, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, पहले वन, थ्री और फोर, ये तीन क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अभी हो रहे हैं 8:47, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट टाइम 47:48 हो जाएंगे थोड़ी देर में, तो 8:48। एंड टाइम तीन क्वेश्चन है तो 6 मिनट के हिसाब से 8:55 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे हैं, थोड़े से लेवल हो सकता है टफ होगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है। अभी अटेम्प्ट करो और अभी के अभी हम इनको डिस्कस भी करेंगे हाथों हाथ। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर वन, थ्री एंड फोर आया ना? बोलो सर। ठीक है, कर दो स्टार्ट जल्दी से। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, एज ए सोचो एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम के हिसाब से आप जितनी ट्राई कर सकते हो उतनी कोशिश करके अपना आंसर निकालने की कोशिश करो, फिर मैं सिखाता हूँ। गुड इवनिंग सर।
सर डन सर डन ओके हाँ टाइम अप वेरी गुड क्या क्या आंसर आ रहा है बताओ फर्स्ट का क्या आंसर आया आपका सर फोर्थ सर फोर्थ ठीक है और सेकंड थर्ड का सेकंड सेकंड और थर्ड ठीक है फोर्थ का सर फर्स्ट सर फर्स्ट फर्स्ट आया था ठीक है क्वेश्चन नंबर वन देख लो फंक्शन हैज लोकल मिनिमम एट ये फंक्शन था इसका लोकल मिनिमा कहां पे आएगा तो डिफरेंशिएट करा होगा आप लोगों ने तो वन बाई टू माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट को जीरो से इक्वेट कर देंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए यस सर टू आ जाएगा हाँ अपॉन में टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पे जीरो कहाँ पे हो रहा है सर प्लस माइनस टू पे टू और माइनस टू पे और किसी एक पे हो सकता है मैक्सिमा आ रहा हो किसी एक पे मिनिमा आ रहा हो तो चाहो तो आप डबल डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो इसके बाद अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे एक्स की पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस टू तो पहले से था ही सही माइनस टू बाई एक्स क्यूब आया ना यस सर तो एक्स को टू रखने पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है और माइनस टू पे नेगेटिव आएगा तो जहां पे नेगेटिव आता है वहां पे मैक्सिमा होता है और जहां पे पॉजिटिव आता है वहां पे क्या होगा मिनिमा तो मिनिमा कहां पे आएगा टू पे वेरी गुड क्लियर है यस थर्ड वाले में टेन इनवर्स दिस इंक्रीजिंग इन ये कहां पे इंक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग वहां पे होगा जहां पे इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होगा हाँ है ना बोलो यस सर यस सर हाँ. तो इस फंक्शन को वापस लिख रहा हूं मैं टेन इनवर्स और डीवाई बाई डीएक्स कितना होगा वन अपॉन टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा पहले वन प्लस यस सर साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर यस सर कितना हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया ना यस सर न्यूमरेटर में है cos x माइनस साइन x और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन प्लस cos का होल स्क्वायर अब मुझे ये चाहिए पॉजिटिव x के लिए क्या रखे ताकि ये क्या मिले पॉजिटिव इंक्रीजिंग के लिए डिवाइड बाय dx के साथ अच्छी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हां है ना यस सर यस सर डिनोमिनेटर में तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो हमेशा पॉजिटिव आना है अब इसका साइन चेंज जो भी डिपेंड करेगा न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है यस सर डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप एक्स कुछ भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है अब हम न्यूमरेटर को चेक करना है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के साथ आना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पॉजिटिव कब होगा जब कॉस बड़ा होगा साइन छोटा होगा यस सर है ना तो कॉस ज्यादा साइन छोटा तो देखो या तो ग्राफिकली देख लो कॉस का भी ग्राफ बना देता हूँ साइन का भी ग्राफ बना देता हूँ ये कॉस का ग्राफ ग्रीन कलर से साइन का ग्राफ बना देता हूँ अब कहाँ पे कॉस ज्यादा है यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉस ज्यादा है ब्लू कलर ग्राफ ज्यादा है रेड वाला ग्राफ कम है एक इंटरवल तो ये आ जाएगी अच्छा इसके पीछे भी आ जाएगी थोड़ा सा और अगर ग्राफ को एक्सटेंड करें तो ग्रीन वाला ये तो देखो ब्लू वाला ग्राफ कहाँ पे जाता है किस इंटरवल में जाता है यहां से लेके यहां तक माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय फोर यहां से लेके यहां तक ये एक तो आपका आ जाएगा कितना माइनस पाई बाय सॉरी प्लस पाई बाय फोर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है हाँ
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई फोर भी अगर देखेंगे तो भी आपका क्या है, ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है, ग्रीन वाला ग्राफ नीचे, ऑप्शन नंबर टू भी ऐसे ही है। जीरो से पाई बाई टू नहीं होगा क्योंकि जीरो से पाई बाई टू में एक बार आगे भी ग्रीन ऊपर हो रहा है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का ना फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। क्लियर है? यस सर। यस सर। फोर्थ वाले में बोला तीन डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो देखो क्यूबिक क्या का तीन रूट है तो उसका ग्राफ कैसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा तभी तो तीन रूट आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं एक मैक्सिमा आएगा, कहीं ना कहीं एक मिनिमा आएगा, मतलब कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, एक जगह मैक्सिमा एक जगह मिनिमा आएगा, डिफरेंशिएट को जीरो से इक्वेट कर दोगे तो 3x² माइनस पी इक्वल टू जीरो, यही आ रहा था क्या? यस सर। पी बाई थ्री, ठीक है। अब किसी एक पे पॉजिटिव yes, किसी sir. एक पे मैक्सिमा होगा, किसी एक पे मिनिमा होगा, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन yes, कितना आएगा 6x, तो प्लस yes, वाले पे आएगा मिनिमा, पॉजिटिव मतलब मिनिमा, यस। और माइनस वाले पे आएगा क्या, मैक्सिमा, हाँ है ना, मैक्सिमा पी अपॉन यस सर। वेरी गुड। ये सब जेई के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जेई में इस तरह के क्वेश्चन आते थे। चलो आगे में और जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो एक बार। मेघा मम्मी आ गया ऑटो क्या? मम्मी आवाज ऐसी जाओ। क्वेश्चन 7 ट्राई करो। डन सर। हो गया, क्या आंसर आया सर? 3 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन -1। माइनस वन आ रहा है? यस सर। अच्छा तो यहाँ पे देखो फंक्शन ब्रेक हो रहा था, बोला कि एफ आर से आर डिफाइन एज दिस, इफ द फंक्शन एज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू -1 देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। अगर -1 पे लोकल मिनिमा है तो के की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, तो क्या लॉजिक लगाया होगा बताओ, क्या लॉजिक लगा? बोलो सर। पहले तो सेकंड वाले फंक्शन में -1 रख दिया। अच्छा सर, फिर दूसरे वाले में भी -1 रख के दोनों को इक्वेट कर दिया। हाँ, क्यों इक्वेट किया, कारण? सर दोनों की वैल्यू 10 तो एक को ही कर रही है। नहीं नहीं, जैसे यहाँ पे लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना, तो उसके लिए क्या लॉजिक लगा है? सर लोकल मिनिमा अगर हम इक्वल क्यों कर देंगे, वही तो यहाँ पे वो तो लिमिट में इक्वल करते कर,
लोकल मिनिमा का क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? डाउट समझ में आया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? यस सर। लोकल मिनिमा का क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे के की वैल्यू निकालने के लिए? सर दोनों का डेरिवेटिव अपोजिट आएगा। नहीं नहीं चलो मैं सिखाता हूँ। जी सर। नहीं नहीं याद करो, सबसे पहले लोकल मिनिमा कोई भी जगह मिनिमा या मैक्सिमा होगा तो क्या कंडीशन बताइए सबसे बेसिक मिनिमा या मैक्सिमा के लिए। जैसे मान लो इस ग्राफ में ही, जैसे मान लो ये पॉइंट ए एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट ए एक्स इक्वल टू बी, तो ए पे मेरा आ रहा है मिनिमा, तो क्या कंडीशन दिख रही है आपको? क्या बताया था मैंने, ए के नेबरहुड में थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पहले दोनों वैल्यू इससे कम आनी चाहिए, मतलब ज्यादा आनी चाहिए। हाँ yes, 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 yes. तो मैंने कहा था कि फंक्शन की वैल्यू ए माइनस पे शुड बी ग्रेटर देन फंक्शन की वैल्यू ए पे। हाँ है ना? यस सर। और फंक्शन की वैल्यू ए प्लस पे भी ए से क्या होना चाहिए? ज्यादा ही आना चाहिए, ग्रेटर। मतलब नेबरहुड में दोनों वैल्यू इससे क्या आएगी? ज्यादा आएगी, तो यहाँ पे क्या आता है? मिनिमा आता है। एक कॉन्सेप्ट ये अप्लाई कर सकते हो। तो ए माइनस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? क्या जाएगा? ए माइनस ए माइनस ए क्या है यहाँ पे? सॉरी वन है ना इस क्वेश्चन में, ए क्या, ए की जगह क्या है? वन। तो वन माइनस पे माइनस वन है ना? हाँ माइनस वन, सॉरी ए की जगह क्या दिया? माइनस वन दिया। हाँ है ना? Yes, sir. चलो अब आप मुझे बताओ वन माइनस पे, वन से थोड़ा सा छोटा, मतलब ये वाला फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे, k की जगह माइनस वन रख देंगे, x की जगह माइनस वन रख देंगे। Yes, sir, k प्लस टू। और वन प्लस पे नीचे वाले में क्लियर है? यस सर, यस सर। अच्छा मैंने आपको बताया था इक्वालिटी भी हो सकती है कभी कभी, जैसे मान लो ऐसा हो तो इक्वालिटी भी आ सकती है। हाँ है ना? जैसे मान लो ग्राफ ऐसा हो, यस सर, उनमें मिनिमा है तो हो सकता है ए प्लस पे थोड़ा सा इक्वल भी हो जाए, लेकिन अभी भी क्या रहा है? मिनिमा ही आ रहा है इस पॉइंट पे, आप इक्वालिटी भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब फंक्शन की वैल्यू वन पे तो वो भी ये इसी के बराबर होगी, इक्वेलिटी वन है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे माइनस वन रखो तो वो भी कितना आएगा? के प्लस टू। ठीक है? यस सर। यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो आपको बस इन दोनों को ही सॉल्व करना है। कितना आएगा ये? माइनस वन, माइनस वन से छोटा। यस सर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सर थर्ड ऑप्शन। हाँ एक ही, लेस देन और इक्वल टू माइनस वन में एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी सारे क्या माइनस वन से ज्यादा है? हाँ है ना? यस सर। समझ में आया सब लोगों को? लास्ट वाला पोर्शन समझा देना एक बार। बस यहाँ पे बस देखो, यहाँ ये दोनों तो इक्वल थे खैर, तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। फंक्शन की वैल्यू वन पे शुड बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस माइनस वन प्लस पे, माइनस वन प्लस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे एक्स की जगह माइनस वन रख देंगे। आया ना? यस सर। अरे यार सब बढ़ गया। तो यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू वन पे शुड बी लेस मिनिमा, है ना? क्लियर हो रहा है? कुछ समझ गया। फंक्शन की वैल्यू वन पे कितनी आ रही? के प्लस टू लेस देन इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री, तो के प्लस टू लेस देन इक्वल टू वन, तो के लेस देन इक्वल टू माइनस वन। चार ऑप्शन में से भी एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था। क्लियर हो गया? यस सर। एक सेकंड। चलो अब नेक्स्ट, अब ये वाला है क्वेश्चन नंबर 12th। विजिबल है आपको 12th? यस सर।
करो ट्राई, अच्छा क्वेश्चन सिखा रखे हैं ऐसे क्वेश्चन भी, कोशिश करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12, हेलो हो गया अटेम्प्ट, अटेम्प्ट कर रहे हो सब लोग? यस सर, यस सर। अच्छे से डायग्राम बना के सोचो इस तरह के क्वेश्चन कराए कि नहीं कराए। सर सी हो है। करो कोशिश करो अच्छे से।
रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, समझ में तो आ गया होगा? यस सर। यस सर। लास्ट 30 सेकंड और दे रहा हूँ, एक बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लो। ऐसा सोचो एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपको करना है सॉल्व, तब जेई के क्वेश्चन है, इसका आंसर आए बताना, एबीसीडी जो भी आ रहा हूं। सर सी सी आ रहा है। अच्छा देखते हैं, क्रॉस चेक कर लेना एक बार फिर भी, जिस जिसका भी आंसर आ रहा हो। चलो करें, अब बहुत टाइम हो गया है ना, देखते क्या हो सकता है इसमें। देखो चलो क्या हो गया, क्वेश्चन टफ था क्या, आसान था, देखते। क्वेश्चन में बोला है एक स्फेरिकल बलून है, इसमें हीलियम गैस इस फील्ड विद 4500 पाई क्यूबिक मीटर ऑफ हीलियम गैस। और यहां पे कोई मान लो होल है तो उससे गैस लीक हो रही है। इफ अ लीक इन द बलून कॉजेज द गैस टू एस्केप एट द रेट ऑफ 72 पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट, इस रेट से गैस बाहर निकल रही है, देन द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून डिक्रीज। अब देखो गैस बाहर निकलेगी तो ऑफ कोर्स बलून डिक्रीज करेगा, तो रेडियस किस रेट से डिक्रीज कर रही है ये पूछा गया। समझ में आई गया क्वेश्चन, आया ना? यस। इनिशियल वॉल्यूम ये थी, रेडियस किस रेट से डिक्रीज कर रही है ये पूछा गया है, रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून डिक्रीजेस 49 मिनट आफ्टर द लीकेज बिगिनिंग, 49 मिनट बाद। अच्छा ये तो लॉजिकली भी हो सकता था, आफ्टर 49 मिनट। तो आप चाहो तो इनिशियल रेडियस और फाइनल रेडियस निकाल सकते हो, और टाइम का गैप तो पता ही है कि देखो आपके आपके पास इनिशियल वॉल्यूम तो है ही ना, इनिशियल वॉल्यूम कितनी गिवन है, इतनी गिवन है, और एक मिनट में 72 पाई बाहर निकल रही है यार, 70 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट की मतलब क्या है, एक मिनट में 72 पाई की वॉल्यूम बाहर निकल रही है, दो मिनट में इसका दूसरा दो गुना, तीन मिनट में इसका तीन गुना, चार मिनट में इसका चार गुना, इस तरह से एयर बाहर निकल रही है ना। यस सर, इनटू ठीक है,
तो अगर अपन बिना डेरिवेटिव को करे तो भी आंसर आ जाना चाहिए वैसे तो। इनिशियल वॉल्यूम आपको गिवन है, मुझे बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या होगी 49 मिनट के बाद कैसे निकालेंगे बताओ लॉजिकली। एक मिनट में इतना निकल रहा था, 49 मिनट में कितना निकलेगा? इंटू 49 कर दोगे? 72 इंटू 49। अब इनिशियल रेडियस क्या होगा? अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछा क्या है, तो इनिशियल रेडियस निकाल लेते हैं, फाइनल रेडियस निकाल लेते हैं। तो इनिशियल रेडियस निकालने के लिए तो यहाँ से इनिशियल रेडियस का डेटा आना चाहिए। सर ये क्यों लिया हमने 4/3πr³ मतलब वॉल्यूम? स्फीयर है ना, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? ओके हाँ, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3πr³ होता है। यस सर। इनिशियल रेडियस यहाँ से आ जाएगा। yes. इसका क्यूब रूट उधर करना पड़ेगा, ये इनिशियल रेडियस। इसी तरह से फाइनल रेडियस कैसे आएगा? इसको रिक्वेट कर देंगे फाइनल रेडियस से, आया ना? yes, sir. फाइनल रेडियस का होल क्यूब, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फाइनल रेडियस आ जाएगा। अब कितना चेंज हुआ? तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन कितने टाइम में? 49 मिनट में। तो यहाँ से रेट आ जाएगा, हाँ है ना? कर लोगे सॉल्व? बोलो। अरे कर लोगे ना, यहाँ से आर इनिशियल रेडियस निकालना, फाइनल रेडियस लेना, डिफरेंस लेना दोनों का, और क्या? डेरिवेटिव से नहीं हुआ सर, डेरिवेटिव से देख लो एक बार, क्योंकि आपको एक्चुअली गिवन डेटा सब कुछ ही है, ये वॉल्यूम भी गिवन है इनिशियली, तो डेरिवेटिव में इसका यूज होगा कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3πr³, यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन से होगा डेरिवेटिव, देखते कर क्या कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3π 3r² dr/dt, सही है? Yes. अब देखो yes, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज तो दिया नहीं है, तो वो निकालना पड़ेगा। अच्छा दिया हुआ है, सॉरी 72π डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस का साइन, क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ पे r² dr/dt आ रहा है। अब यहाँ पे dr/dt आ तो जाएगा, लेकिन मुझे dr/dt नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना था वैसे, कहाँ का क्वेश्चन? हाँ dr/dt निकालना है, लेकिन यहाँ पे r² का भी टर्म रहेगा, r² की जगह क्या रखोगे? अब देखो यहाँ पे समझ पा रहे हो, यहाँ पे दो चीजें हैं। अब तक अपन ने जो जो भी क्वेश्चन पहले किए थे, जैसे अगर आपको याद हो वो लेक वाला क्वेश्चन, yes, लेक वाले क्वेश्चन में क्या था, जब t = 0 से स्टार्ट किया था, रेडियस भी 0 थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था रेडियस बढ़ रही थी। yes, और यहाँ पे इनिशियली भी एक रेडियस है और फाइनली भी एक रेडियस है, और इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम कुछ दिया हुआ है। तो आपको देखो इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, पाई से पाई कैंसिल, पहले तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 4 1 4 4 8 32 18 नहीं आएगा ना, चेक कर लेना, ये आ रहा है? अब -18 dt = r² dr, अब यहां से या तो फाइनल रेडियस निकाल लो या फिर dr/dt = कितना आ जाएगा? -18/r². अब यहाँ पे इश्यू समझ में आ रहा है, क्या रहा है? इनिशियल रेडियस मेरी 0 नहीं है, हमारा इनिशियली कुछ ना कुछ रेडियस थी और फाइनली कुछ ना कुछ रेडियस है, तो यहाँ पे आर क्या रखूंगा वो दिक्कत आएगी। अब तक अपन ने जो क्वेश्चन करते थे वहां पे अपन को एक फाइनल कंडीशन पूछते थे, ठीक है, या फिर आप ये भी एक बार करके देख लेना कि 49 मिनट बाद रेडियस कितनी होगी वो निकाल के यहाँ वैल्यू पुट अप करो, शायद उससे भी आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि फाइनली आप रेडियस पुट अप कैसे तो कर सकते हो। 49 मिनट बाद रेडियस कैसे निकालोगे? यहीं से, यहाँ से जो आर फाइनल की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट अप कर देना, क्लियर है? जैसे यहाँ से
आर फाइनल की जो भी वैल्यू आएगी 49 मिनट बाद वो यहाँ पे पुट अप कर देना, देखना ना डीआर बाई डीटी कितना आ रहा है, वो भी डिक्रीज ही करेगा। क्लियर हो गया? यस सर। दोनों तरीके से आंसर निकाल के मैच कर लेना, दोनों तरीके सही है। चलो अगला ट्राई करते हैं। हाँ ये करो। क्वेश्चन नंबर 17, ये मैक्सिमम मिनिमा के एप्लीकेशन पे बेस्ड जेई में आया क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो और जैसे ही हो जाए बता देना। क्वेश्चन नंबर 17, चलो करें आसान तो कुछ मिनट सर कर रहे हो, चलो करो करो, हो जाए तो बता देना जल्दी से।
सर x इक्वल टू 2r सबका आंसर आ गया क्या? बाकी लोग भी बताओ, सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। जी सर। क्या आंसर आ रहा है? सेकंड। क्या आंसर आ रहा है? चलो ठीक है, समझो आप अपने अपने आंसर को मैच करना सही है कि नहीं। अब वायर ऑफ लेंथ टू यूनिट, एक वायर था मान लो, ये वायर कितने यूनिट का? दो यूनिट का लेंथ का वायर, दो मीटर यूनिट कुछ भी हो सकता है। इस कट इनटू टू पार्ट एंड बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर एंड अ सर्कल। इसको क्या किया गया? बीच में से कहीं कट कर दिया, एक हिस्से से सर्कल बनाया और एक हिस्से हाँ एक हिस्से से मान लो सर्कल बना दिया और एक हिस्से हाँ वेरी गुड। अरे यार ठीक है, समझ जाना है सर्कल है। यस सर, कोई बात। और एक हिस्से से बना स्क्वायर, स्क्वायर ये जो बचा हुआ हिस्सा था, बची हुई लेंथ, इसको मोड़ मोड़ा के स्क्वायर स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब ध्यान समझना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? स्क्वायर ऑफ साइड एक्स, एक्स और सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। और दूसरी चीज, इस टोटल लेंथ के बारे में बताया गया था, वो हमेशा मैक्सिमम मिनिमम के अगर क्वेश्चन है, डायग्राम जब तक अच्छे से नहीं बनाओगे क्वेश्चन विजुअलाइज ही नहीं होगा। आप देखो मैं किस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं किस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ, ये अप्रोच ही आपको सीखनी है। वो क्वेश्चन एग्जाम में अगर नई वेराइटी भी आती तो भी आपको सोल्व करके आना, अब समझना अच्छे से। अच्छा, ये 2 मीटर का वायर था, यहाँ पे अगर रेडियस आर है तो इस वायर की लेंथ कितनी होगी? 2 माइनस x। इस वायर की लेंथ रेडियस आर है तो इसकी बताओ आर के टर्म्स में। 2 पाई आर। पाई आर होती। पेरिमीटर ऑफ द सर्कल कितना था? 2 पाई आर। यस। इसकी टोटल पेरिमीटर कितना हो जाएगा? 4x। इसका टोटल पेरिमीटर। अच्छा, अब ये और ये मिला के तो टोटल 2 था। यस सर। 2 पाई आर प्लस 4x, इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी क्योंकि इसी वायर से तो बना है। ये समझ में आया? यस सर। 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आ जाएगा? पाई आर प्लस x और सही है, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अरे 2 कॉमन लोगे ना? हाँ है ना। यस सर। यस जी सर। अब आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम, जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। इफ द सम ऑफ द एरिया of the square and the circle so form is minimum, isi ko to minimize karna hai, kisko minimize karna hai? Sum area. of area of square and circle. area of circle, theek hai, ek second na, square ka area kya hoga? x square और सर्कल का एरिया pi r square। अब अगेन देखो वही दिक्कत है, कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। यस जी सर। क्या करना पड़ेगा? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। या तो पूरे को x में कन्वर्ट करो या पूरे को r में कन्वर्ट करो, तो वो रिलेशन यहां से आ जाएगा। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। यस सर। 1 minus r pi divided by 2. 1 minus pi r divided by 2. ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट, एक बार रखो और डिफरेंशिएट करके देखो और बताओ आप आंसर कितना आ रहा है। ऐसा किया था आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट पानी ढूंढ के थोड़ा सा, एक सेकंड। चलो तो यहां से x की वैल्यू रखा देंगे 1 माइनस पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर,
इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट किया, आपने एक्स रखा था कि आर रखा था? सर एक्स, तो मैंने आर रखा था। ठीक है, कुछ भी रखा आंसर। अब आंसर आप सॉल्व कर पलोगे क्या, पूरा सॉल्व करूं? यस सर, कर लेंगे। कर लेंगे ना, जीरो डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना, वहां से आर और एक्स में रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है जी सर? यस सर, यस सर। इस दफा ऐसे प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली करोगे तो गलती नहीं होगी, है ना? यस सर। एक क्वालिटी करो, अगला वाला क्वेश्चन, एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन नंबर 19th, क्या दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर, विजिबल विजिबल है। हाँ, करो इसको सॉल्व, तीन मिनट का समय दे रहा हूं। सर ये मॉड्यूल में भी होंगे? ये मॉड्यूल की तो है, जेई के क्वेश्चन, मॉड्यूल की जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, उसी के क्वेश्चन है सारे, है ना? यस सर, वो जो मतलब भेज रखा है ना, मतलब अवंती जिसने यहाँ पे डिलीवरी कर रखी ना। हाँ, वो अवंती की मॉड्यूल है। हाँ हाँ, वही है। हाँ, हो गया क्या बच्चों का आंसर? 25 आ रहा है। बहुत सर, यस सर, हो गया। चलो करते हैं, एक मिनट क्या हो। क्या बोला क्या? 20 meter wire is available for fencing flower bed in the form of circular sector, then the maximum area of the circular bed. ये भी वैसे ही है ना? यस सर, ये 20 meter का वायर है, 20 meter का वायर है, इससे एक फ्लावर बेड बना है ना, सर्कुलर सेक्टर। सर्कुलर सेक्टर क्या होता है? सर्कल, पेरीमीटर सर्कल का। 20 meter wire is available for fencing of flower bed in the form of circular sector. Circular sector तो ऐसा होता है ना, मेरे हिसाब से। Yes sir. ठीक है, then the maximum area, इस area को maximize करना है। Yes sir. तो अगर याद हो तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था 10th में शायद, थीटा बाय 316 टू 2 पाई आर। एरिया, एरिया इनटू पाई आर स्क्वायर। इनटू पाई आर स्क्वायर, यस सर, है ना?
एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला था थीटा बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, हां है ना? यस सर। अब यहां पे सर दो वेरिएबल है, अलग अलग सेक्टर के लिए थीटा और आर दोनों वेरिएबल रहेंगे। थीटा, यस सर, थीटा और आर वेरिएबल। तो मुझे इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। यस। तो कैसे कन्वर्ट करें? लेंथ पता है आपको, लेंथ एल अपॉन आर। अच्छा मुझे बताओ, मुझे लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर। अरे आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क इक्वल एंगल इक्वल टू क्या होता है? एल बाय थीटा इज इक्वल टू एल बाय। ये फॉर्मूला याद है ना? यस सर। थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। थीटा इनटू आर, अरे आर्क लेंथ है ना? यस सर। सिर्फ आर्क लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये इस पूरे को घुमा के ये पूरा बनाया गया। ये जो पूरा वायर है इस 20 मीटर की वायर से बनाया गया। अब इन ये पेरीमीटर किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। यस सर। ठीक है, क्योंकि इस वायर से पूरा सेक्टर बनाया गया। ये बातें समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ना था, आपको पता होना चाहिए सेक्टर ऐसा होता है, क्लास 10th में पढ़ाया गया। इस सेक्टर के जो वायर है इसका पेरीमीटर आपको किसके बराबर है? 20 के बराबर है, आया ना? यस सर। यस सर। इस 20 मीटर के वायर से बनाया। अब तो हो जाएगा सॉल्व, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से थीटा निकाल लो, क्लियर है? या फिर आर की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू रख दो। तो यहाँ से आर कॉमन आ रहा है, या फिर थीटा निकाल लो। सही है? यस सर। ये थीटा की वैल्यू यहाँ रख देना, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर दो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो डाउट थे सर मेरे एक दो। हाँ हाँ, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 23 करो, सब लोग ट्राई। ट्वेंटी थर्ड वाला? हाँ, 23। मुझसे सवाल है, और
हो रहा है सॉल्व क्वेश्चन? करो सॉल्व अच्छे से. सर ऑप्शन बी. क्या बी आ रहा है? यस सर. अच्छा चलो करते हैं सॉल्व. क्या डाउट है कि हो गया सॉल्व? तो बता दो सर आप एक बार. डाउट ठीक है. क्या दिया था वैसे क्वेश्चन में देख लेते हैं. एफ एक्स दिया हुआ था, जी एक्स दिया हुआ है, एच एक्स के बारे में बोला गया है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है. तो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स क्या होगी? एफ एक्स है जी एक्स क्या है और एच एक्स होगा वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स. आप ध्यान से देखते ना, कहीं में से कैलकुलेशन एरर हो जाए तो बता देना, ठीक है? कंसंट्रेट होके देखना कैलकुलेशन को. तो बोला गया था इस एच एक्स का लोकल मिनिमा कहां पे होगा, तो एच एक्स को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. हाँ है ना? यस सर. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है. हाँ वो तो क्या आएगा न्यूमरेटर. अच्छा ये देखो ऊपर इसी का स्क्वायर के टर्म्स में भी तो लिख सकते हो पहले इसको, पर ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. ऊपर ये स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं इसको. न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूँ मैं? x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर. हाँ है ना? यहाँ पे क्या क्या हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू क्रिएट होगा तो प्लस टू कर देंगे. हाँ है ना? यस सर. तो ये क्रिएट हो गया. क्लियर है? यस सर. तो एच एक्स आ जाएगा अलग अलग कर दोगे तो
अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, सही एक बार कैलकुलेशन देख लेना, हो कहीं गलती हो तो बताते रहना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले ये ऊपर जाके पावर माइनस वन हो जाएगी, इसको मैं माइनस वन लिख ही देता हूँ। माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा। यस सर, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बट सर मेरा मेथड गलत हो गया था। अरे वो आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं आपको सिंपलीफाई करके डायरेक्ट भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ओके सर, वो मेथड गलत थोड़ी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने इसलिए कर दिया ताकि मेरे को लगा कभी कैलकुलेशन आसान हो जाए इससे, क्योंकि नीचे वाला टर्म ऊपर वाले के टर्म्स में लिखा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन रूल अप्लाई करके, बस फाइनली फैक्टराइज करना है मुझे। यहाँ पे क्या क्या बचेगा मेरे पास, थोड़ी मेहनत करवा रहा है शायद क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ दिख रहा है क्या इसमें, क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, देखो ध्यान से यहाँ पे लिखता हूँ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, सही है, हाँ है ना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, एक तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या क्या चीजें बनेंगी, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना तो आता है, जो चीज नहीं होती वो मल्टीप्लाई है ना, तो नीचे के दो फैक्टर बनेंगे वन और माइनस वन और एक जीरो, खैर वो दोनों ही पॉजिटिव है तो होल स्क्वायर में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर में ध्यान से देखना होगा, थोड़ा सा लेंथ ही जा रहा है, एक्स स्क्वायर कट, अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये शुरू के दो ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट से, यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर समझ आ रहा, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या ये बात समझ आ रही है? यस सर, जी सर। और ये वो जो बचा हुआ होल स्क्वायर है इसको भी ओपन कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कर लो जल्दी से, बताओ न्यूमरेटर में क्या आ रहा है। न्यूमरेटर में जाए यहाँ से x की पावर एक तो आएगा 6, फिर आएगा x स्क्वायर, अच्छा अंदर ये क्या बनेगा माइनस का 4x स्क्वायर है ना, माइनस का 4x स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 बनेगा, माइनस प्लस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 1
इनटू एक्स स्क्वायर बचा हुआ फिर ऐसा कितना ठीक है देखते रहना कैसे। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बच गया x की पावर 6 3 4 x माइनस 3 x प्लस 1 और इसमें भी अगर मैं होल स्क्वायर कॉमन ले लूं तो जीरो से जाएगा ना या डिफरेंशिएशन जीरो में अभी नहीं भेजना कभी भी क्या भेज सकते हैं लेकिन फिर भी इसको फ्रैक्शन में चलने दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा पता करने के हैं क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे खैर ये होल परफेक्ट स्क्वायर है फिर भी अपन इसको रखते हैं जीरो में भी भेजोगे तो चलेगा अगर लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जीरो में नहीं भेजना हमेशा सारे क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना साथ में। अब देखो ध्यान से इसको आप ध्यान से देखो ऑब्जर्व करो ये किसी का कुछ है क्या आइडेंटिटी किसी का क्यूब है क्या माइनस आ रहा है माइनस वन होगा तो काम हो जाता नहीं क्यूब तो नहीं दिख रहा है फैक्टराइज हो पा रहा है सर 6 से नहीं हो सकता फैक्टराइज हो पा रहा है क्या x की क्यूब इनटू x का स्क्वायर करके जो x की पावर 6 x क्यूब अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो पावर 4 कॉमन लेंगे अगर एक माइनस 3 चाहिए तो फैक्टराइज होता है कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी आपने आपका कैसे आंसर आ रहा था 2√2 आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया था उससे हो रहा था क्या या फिर सर मैंने अलग अलग डिफरेंशिएट करके देखा था सर इसका डिफरेंशिएशन में कैलकुलेशन एरर ना हो गया बस सर डायरेक्ट करा था मैंने अच्छा एक बार मैं कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेता हूँ अदरवाइज भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का अपॉन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ठीक है अभी रहने देते हैं कैलकुलेशन बाद में चेक कर लेंगे ठीक है एक बार मैं घर पे इसको क्रॉस चेक कर लूंगा देखते हैं कहीं एरर आ रहा होगा तो चलो अब आप डाउट पूछ लो कहाँ पे डाउट है सर सेक्शन ई से सर हाँ बाकी लोग भी अपने अपने डाउट्स निकाल लो इनकेस अगर आपको मॉड्यूल में डाउट हो तो आप पूछ लो ओके सर जिसके डाउट हाँ जिसके डाउट नहीं जिसको लीव करना है लीव कर सकता है जिसको सुनना है वो सुन भी सकता है सर क्वेश्चन नंबर 9 एक्स वाई इक्वल टू 4 एक्स नेगेटिव है ये गिवन कंडीशन है इसको मैक्सिमाइज करना है एक्स प्लस 16 वाई जिसको मैक्सिमाइज करना है इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो एक्स क्या होता है यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 अपॉन वाई सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया डिफरेंशिएट कर दो 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय y स्क्वायर और यहाँ पे 16 डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर दो सही है यस सर जी सर तो ये 2 अपॉन 4 आ जाएगा y की वैल्यू आ रही प्लस माइनस 1 बाय 2
तो y अगर प्लस माइनस 1 बाय 2 होगा सर नेगेटिव कंसीडर करेंगे, x y का प्रोडक्ट क्या है तो x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 8। आपको नेगेटिव लेना पूछा क्या था क्वेश्चन में, x नेगेटिव है ना सर पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन। हां तो आप पॉजिटिव नेगेटिव ले लेना, x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा। अब जो वैल्यू निकालनी थी मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी थी इसकी, इसमें पुट अप कर दो, क्लियर है? ओके सर, इसके अगले सेशन से एक डाउट था सर। पूछो F1 वाला सर, मेरे इसका ऑप्शन 1 आ रहा है लेकिन आंसर 4th दे रखा है। 20 is divided into two parts. तो 20 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो लेट द दो पार्ट को x और y मान लेते, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ वन क्वांटिटी, प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट, क्यूब ऑफ वन क्वांटिटी एंड स्क्वायर ऑफ अनदर क्वांटिटी इज मैक्सिमम, इसको मैक्सिमाइज करना है। ये किया था आपने? यस सर किया था मैंने। ठीक है तो जिसको मैक्सिमाइज करना है उस इसको पी नाम दे देते हैं, प्रोडक्ट है तो कुछ भी नाम दे दो, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, वाई की वैल्यू रख देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, सही है? हाँ ना? यस सर। जीरो से इक्वेट कर दोगे, जीरो से इक्वेट करोगे नेगेटिव उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इसको जीरो से इक्वेट कर दिया पूरे को, तो कॉमन निकाल लो जो भी कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर और 20 माइनस एक्स कॉमन, सही है? Yes, sir. Yes, sir. क्या बचेगा आपके पास, 3 ठीक है, 5 कॉमन ले लोगे तो फाइनल फैक्टर क्या क्या बने आपके पास, पांच कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, 12 माइनस एक्स, प्लॉट कर दो क्रिटिकल पॉइंट को, 20 0 12। पूछा क्या था क्वेश्चन में आपको, क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना था, ये पूछा कहाँ पे मैक्सिमा आएगा। अब x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 12 होगी या तो 20 होगी, हाँ है ना, किस पे yes, किस पे मैक्सिमम आएगा ये पूछा गया था आपको, तो 20 चेक करके देख लेते हैं। अब इसकी साइन देखने पड़ेंगे, 20 से ज्यादा अगर होगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, चेक करो पॉजिटिव होगा सर, 20 से ज्यादा रखोगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव है सर, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और जीरो से इधर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि x स्क्वायर का टर्म है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, हाँ है ना, yes, चेक कर लेना। अब मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, जब प्लस से माइनस की तरफ बदलेगा, यहाँ पे क्या आएगा मैक्सिमा, तो यहाँ पे ने क्या किया बेसिकली पूरे क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करके इसको प्लॉट कर दिया, हाँ है ना, ओके सर समझ गया, ये डिफरेंशिएशन का साइन चेक कर लिया, तो यहाँ पे मैक्सिमा आएगा x इक्वल टू 12 पे और y इक्वल टू 8 पे, क्लियर हो गया? यस सर। और कोई डाउट? कोई डाउट था सर? यस सर। सर जो आपने बैलून वाला क्वेश्चन कहा था सर, उसके उसी के नीचे वाला क्वेश्चन, एक रेट ऑफ चेंजेस वाला क्वेश्चन तो था। ए वाले सेक्शन में G
जेई वाले में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक मिनट। पढ़ लो सब लोग एक बार क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये assertion reason वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको दोनों स्टेटमेंट को चेक करना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन में बोला है ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, फंक्शन दिया हुआ है, बोला है एक्सट्रीमम एक्सट्रीम वैल्यू एट -1 इन 2। तो आपको चेक करना है कि -1 और 2 पे इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्सट्रीमम आ रहा है कि नहीं, मतलब वहां पे दिया हुआ स्टेटमेंट, मतलब वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। अब वहां पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमम होगा ये आपको चेक करना होगा ये स्टेटमेंट वन में, और डिफरेंशिएशन अगर दोनों पॉइंट पे जीरो होगा तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। क्लियर है? अगर सर एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही है 1 -1 और 2 पे तो सर मैक्सिमा ही तो आएंगी। एक्सट्रीम एक्सट्रीम का मतलब मैक्सिमा नहीं होता, एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी एक्सट्रीम कर लोगे आप सॉल्व किया। जी सर ट्राई कर लेंगे। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना, बस एक बात का ध्यान रखना पिछली बार जो गलती हुई थी वो यहां मत करना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x + 2bx + a। और एक्सट्रीमम -1 और 2 पे है तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे 0 के बराबर कर देना डिफरेंशिएशन की वैल्यू, और डिफरेंशिएशन की वैल्यू 2 पे 0 के बराबर कर देना। हां है ना, यहां से a और b में दो इक्वेशन, यहां से a और b आ जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। क्लियर है? जी सर। यस सर। और डबल डिफरेंशिएट करके फिर वैल्यू रख के देख लेना, डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मैक्सिमा मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन अगर उस पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। क्लियर है? ओके सर। ओके ओके चलो, तो आज के लिए रखते हैं। आई होप आप मेजर टेस्ट की सब लोग तैयारी कर रहे होगे अच्छे से, मॉड्यूल भी एक बार और बच्चे कुछ क्वेश्चन कर लेना ट्राई, डाउट अगर आता है तो अगली क्लास में फिर पूछ लेना। क्लियर है? आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।